नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट इफ आईटीआर फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 नॉट फाइन। मेरे इस विषय का इम्पोर्टेंस इसलिए है सर कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 31 मार्च 2021 को, जबकि असेसमेंट ईयर 2020-21 की आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट भी 31 मार्च 2021 ही है और असेसीज एट लार्ज द्वारा कंटिन्यूअसली ट्विटर पर या अन्य प्लेटफॉर्म्स पर भारत सरकार को रिक्वेस्ट के बावजूद असेसमेंट ईयर 2021 की आईटीआर फाइलिंग की डेट 31 मार्च 2021 से आगे बढ़ाई नहीं गई। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने रखता हूं कि हुआ क्या है कि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा पिछले 4-5 दिनों में ई कैंपेन के नोटिसेस असेसीज एट लार्ज को इशू किए गए और उनको उनके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से अवगत कराया गया कि साहब ये आपका हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन है या ये आपका अनरिपोर्टेड ट्रांजेक्शन है, आप इस पर कमेंट करें। नाउ नेचुरली जब मैं एज अ गवर्नमेंट असेसी को चेता रहा हूं कि आपके पास में ये सारे ट्रांजेक्शन हैं, यू रिपोर्ट दीज ट्रांजेक्शन इन योर इनकम, से फॉर एग्जाम्पल मैंने रिटर्न भर ली और उस रिटर्न में उस इनकम को शामिल करना भूल गया, सिंपलेस्ट एग्जाम्पल मैंने सेविंग बैंक अकाउंट में 25,000 रुपए का ब्याज आया पर रिटर्न में नहीं बताया, ई कैंपेन के अंदर सरकार ने रिपोर्ट कर दिया कि भटिया जी आपके 25,000 रुपए फलाने बैंक में सेविंग बैंक इंटरेस्ट आया, आपने रिटर्न में नहीं बताया, तो मुझे लगा हाँ साहब गलती तो हुई है मेरे से और मैं उसका टैक्स देने को भी तैयार हूं। लेकिन मैं बात कर रहा हूं 31 मार्च 2021 को और आज की डेट में डिपार्टमेंट की साइट लगभग मध्यान्ह से अभी तक हैंग ही चल रही है। तो ऐसी परिस्थिति में सर, एक असेसी जो किसी वजह से असेसमेंट ईयर 2021 के आईटीआर बिल्कुल ही नहीं फाइल कर पाए या जो रिवाइज करना चाहता है पर रिवाइज नहीं कर पाए, तो वो कैसे आगे बढ़े, इसी प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश आज की इस वीडियो से आपके सामने रखता हूं। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बोला कि लास्ट डेट फॉर असेसमेंट ईयर 2021 इज 31 मार्च 2021, इसके बाद हम असेसमेंट ईयर 2020-21 की रिटर्न ऑनलाइन अपलोड नहीं कर पाएंगे और ये इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं अभी 9:25 शाम के, जब मैं ये पर्टिकुलर वीडियो बना रहा हूं। तो अब सुनिए सर, व्हाट टू डू इफ द टाइम लिमिट फॉर आईटीआर इज नॉट एक्सटेंडेड, कि मैं मान लेता हूं टाइम लिमिट एक्सटेंड नहीं होगी, तो क्वेश्चन आएगा सर, मेरा सजेशन है और यही क्वेश्चन भी है कि यू शुड पे द टैक्स एज पर योर कंप्यूटेशन, आप अपनी कंप्यूटेशन करिए खुद सर, अगर आपने रिटर्न बिल्कुल नहीं भरी और रिटर्न के हिसाब से जो आपका टैक्स लायबिलिटी बनता है उसको पे करने से आपको कोई नहीं रोकता, यानी मान लीजिए मेरी रिटर्न के हिसाब से इनकम बनती है 5,50,000 और मैंने 31 मार्च 2021 की कैलकुलेशन कर ली और 5,50,000 पर से मेरा टैक्स बनता है 22,500 और मैं समाव रिटर्न नहीं भर पाया और ना आज भर पा रहा हूं डिस्पाइट वेरियस एफर्ट्स विच आई एम ट्राइंग थ्रू ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ रिटर्न, तो सर ये 22,500 रुपए का टैक्स विद सरचार्ज एजुकेशन सेस एसएचईसी जो भी होता हो मुझे पे करना है। इसको पे करने के बाद कल जब डिपार्टमेंट मान लीजिए मुझे पकड़ता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कि आइए भाटिया जी आपने तो रिटर्न नहीं भरी, तो मैं उनको एटलीस्ट ये रिप्लाई करने में हूं कि साहब देख लीजिए मैंने टैक्स लायबिलिटी अपनी ड्यूली पे कर दी, इसका फायदा क्या होगा, एक इंटरेस्ट का मीटर आगे के लिए रुक जाएगा, दूसरा सर पेनल्टी भी मुझ पर भविष्य में नहीं लगाई जा सकती, ऐसा मेरा मानना है, हालांकि इस पर अलग अलग एक्सपर्ट्स की अलग अलग ओपिनियन हो सकती है, लेकिन मैं मानता हूं सर कि जब वॉलंटरली मैंने अपना टैक्स लायबिलिटी पे कर दिया, और मेरा एक और सजेशन सुनिए सर कि जब आपने वॉलंटरली टैक्स पे कर दिया तो आपको कोई भी व्यक्ति नहीं रोक रहा कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक लिखित में लेटर के साथ अपनी रिटर्न की कॉपी लगाइए, टैक्स पेमेंट का प्रूफ लगाइए और भेज दीजिए, अपने आईटीओ के पास भेज दीजिए। ये क्रांतिकारी विचार लग सकता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास बहुत सारी रिटर्न है इस तरीके से भी पहुंच जाएंगी जिनको वो कहेंगे साहब इनवैलिड रिटर्न है, ठीक है रिटर्न इनवैलिड है लेकिन सूचना वैलिड है, तो मेरे इस पर्टिकुलर पॉइंट का आप लाभ उठा सकते हैं। यू मे फाइल अ डिले कंडोनेशन रिक्वेस्ट, सेक्शन 119 ऑफ इनकम टैक्स गिव्स द पावर टू द सीआईटी फॉर डिले कंडोनेशन, अगर किसी जेन्युइन वजह से फॉर एग्जाम्पल किसी के साथ दुर्घटना हुई और वो रिटर्न नहीं भर पाए और आज भी नहीं भर पा रहे, तो वो अपनी एक डिले कंडोनेशन की रिक्वेस्ट सीआईटी के पास लगाएं कि डिले कंडोनेशन के साथ मेरी रिटर्न एक्सेप्ट की जाए। एंड सर अगर मान लीजिए रिवाइज रिटर्न का मैटर है तो वहां पर भी मैं यही बोलूंगा कि आप डिले कंडोनेशन की रिक्वेस्ट के साथ बाद में भी रिवाइज रिटर्न भर सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस पहले मैनुअल चलेगी, जब आपको परमिशन मिलेगी सीआईटी से तब आप अपनी रिटर्न को ऑनलाइन अंडर सेक्शन 119 भर पाएंगे। हर किसी केस में सर सीआईटी से परमिशन लेना आसान नहीं,
लेकिन फिर भी मैं कहता हूं सर कि मान लीजिए मैंने ओरिजिनल रिटर्न में सेविंग बैंक का इंटरेस्ट नहीं बताया, आज मेरी कैलकुलेशन ई कैंपेन के नोटिस की वजह से मुझे लगा कि साहब मुझे 15,000 टैक्स और देना है, मैंने 31 मार्च 2021 तक, इवन उसके बाद भी आपको टैक्स देने से सर कोई नहीं रोक रहा, आप टैक्स दीजिए और उसकी एक लिखित में सूचना हो सके तो डिपार्टमेंट को दे दीजिए, साहब मैंने अपनी टैक्स लायबिलिटी प्रॉपरली जमा करा दीजिए। इस प्रकार का काम करना आपकी ओर से आपको बहुत हद तक सर भविष्य में किसी नकारात्मक इनकम टैक्स कॉन्सिक्वेंस से बचा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो का एंड करते करते भी मेरी यही अभिलाषा है, इच्छा है कि भारत सरकार 2021 की रिटर्न भरने की डेट को बढ़ाए, क्योंकि ऐसे इस वजह से मैं कह रहा हूं कि ई कैंपेन के नोटिसेज रीसेंट पास्ट में ही इशू हुए हैं पिछले एक हफ्ते में, तो बहुत सारे एसएससीज एट लार्ज है जिन्हें पता ही नहीं है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के राडार पे हमारी इतनी सारी सूचना है, उनको एक प्रॉपर टाइम मिले जिसमें वो अपनी रिटर्न भरे। लेकिन अगर भारत सरकार नहीं भी डेट बढ़ाती तो आपके पास क्या रेमेडी है वो मैंने आपको अवगत कराने की कोशिश करी। आई होप आप इस वीडियो से लाभान्वित होंगे। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।